वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने साइलोफाइटा के बारे में जो कुछ मेन फीचर्स थे वो हम स्टडी कर रहे थे। उसमें जो नेक्स्ट फीचर है, वस्कुलर सिस्टम में कौन सी स्टील होती है, यहाँ पे प्रोटोस्टील। ओके, एंड प्रोटोस्टील किस में प्रेजेंट होती है, राइनिया में। बट साइलोटम में किस प्रकार की स्टील प्रेजेंट होती है, एक्टिनोस्टील। ओके, प्रोटोस्टील में जो जाइलम है वो जाइलम सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है, एंड ये जो जाइलम है ये आउटर किसके थ्रू सराउंडेड रहता है, फ्लोएम के थ्रू। ओके, लेकिन अगर हम बात करें एक्टिनोस्टील की, सो एक्टिनोस्टील में जो जाइलम है वो रेडिएटिंग आर्म्स के रूप में प्रेजेंट रहता है इस प्रकार से, एंड इस जाइलम के अल्टरनेट फॉर्म में क्या प्रेजेंट रहता है, फ्लोएम। ओके, जाइलम, फ्लोएम, देन आफ्टर व्हाट, पेरिसाइकिल, एंड देन आफ्टर व्हाट, एंडोडर्मिस। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी जाइलम, फ्लोएम, देन आफ्टर व्हाट, पेरिसाइकिल, एंड आफ्टर व्हाट, एंडोडर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमारे पास में क्या है, दैट लीफ गैप्स आर अब्सेंट फ्रॉम सेंट्रल सिलेंडर। ठीक है, देखिए लीफ गैप्स का मीन्स क्या है कि स्टेम में प्रेजेंट एक स्पेस जहाँ से क्या इमर्ज आउट हो रही है, लीफ, वह स्पेस क्या है, लीफ गैप। एक्चुअली ये जो लीफ गैप है इसमें ही क्या प्रेजेंट होता है, लीफ ट्रेस। ओके, इस लीफ ट्रेस के माध्यम से ही जो लीफ का वस्कुलर सिलेंडर है वो किससे कनेक्टेड रहता है, स्टेम के वस्कुलर सिलेंडर से। नेक्स्ट आफ्टर टर्मिनल स्पोरेंजिया आर बॉर्न सिंगली एंड द टिप्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग ब्रांचेस एंड आर थिक वॉल्ड। द स्पोरेंजिया आर होमोस्पोरस प्रोड्यूस ओनली वन टाइप्स ऑफ स्पोर। देखिए ये जो स्पोरेंजिया है ये ब्रांचेस के कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टर्मिनल टिप के ऊपर, और इन स्पोरेंजिया में जो सभी स्पोर्स का साइज है वो कैसा होता है, सेम। दैट मीन्स ये जो स्पोरेंजिया है ये किस टाइप की होगी, होमोस्पोरस। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज द गैमेटोफाइट इज सबटेरेनियन कलरलेस एंड एसोसिएटेड विथ माइकोराइजल फंजाई। इसका मतलब ये है कि ये जो गैमेटोफाइट है ये कैसा होगा, न्यूट्रिशनली स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होगा, और या फिर बाद में अगर इसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी तो इस गैमेटोफाइट में, इस गैमेटोफाइट प्रोथेलस में क्या एंटर करेगा, एंडोफिटिक माइकोराइजा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज एंथ्रोजॉइट्स किस प्रकार के होंगे, मल्टीसेलिएट। इसका मतलब यह है दैट एंथ्रोजॉइट्स पे बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया। ओके, अब हम बात करते हैं डिविजन लाइकोफाइटा की। देखिए ये जो डिविजन लाइकोफाइटा है ये साइलोफाइटा से क्या है, एडवांस्ड फॉर्म है। ओके, सो इसमें ये जो हमारे पास में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है ये किस किस में डिवाइडेड रहेगी, रूट में, स्टेम में, एंड व्हाट, लीव्स में। आफ्टर देन लीव्स कैसी होगी, यहाँ पे माइक्रोफिलस होगी। ओके, एंड इसमें जो फॉसिल जेनरा हमारे पास में कौन कौन से आएंगे, साइलोटम एंड व्हाट, लेपिडोडेंड्रॉन। एंड इसमें जो लीव्स है वो क्या होगी, सेवरल फिट लॉन्ग होगी। ओके, देखिए यहां पे जो लीफ है, इस लीफ में
देखिए ये लीव्स है सिंगल ही कैसी होगी, अनब्रांच्ड, वस्कुलर बंडल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, बट द लीफ ट्रेस लीफ नो गैप इन द स्टील, दैट मीन्स इसमें जो स्टील प्रेजेंट होगी, इस स्टील में लीफ गैप क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा. ओके, द सेकेंड थिंग इज द वस्कुलर स्ट्रेंड्स और स्टील में भी वॉट, प्रोटोस्टीलिक, साइफोनोस्टीलिक और पॉलीस्टीलिक. प्रोटोस्टीलिक हम अभी देख चुके हैं एंड नेक्स्ट वन हमारे पास में क्या है, साइफोनोस्टीलिक. साइफोनोस्टील का मीन्स ये है दैट ये जो हमारे पास में स्टील प्रेजेंट है, इस स्टील में अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होगी, पित्त. साइफोनोस्टील प्रोटोस्टील से कौन सा टाइप है, एडवांस्ड फॉर्म है. इस पित्त के चारों तरफ क्या प्रेजेंट रहेगा, जाइलम, एंड जाइलम के चारों तरफ क्या प्रेजेंट रहेगा, फ्लोएम. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज द स्पोरोफिल्स आर बॉर्न इन स्ट्रोबिलाई. स्पोरोफिल्स वे लीव्स होती है जिन पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है. दैट मीन्स ये जो स्पोरोफिल्स है ये किस प्रकार की लीव्स है, कुछ स्पेशलाइज्ड लीव्स है जिन लीव्स पे क्या प्रेजेंट होती है, स्पोरेंजिया. ये हमारे पास में क्या है, स्पोरोफिल, एंड इस स्पोरोफिल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज एंथ्रोजॉइट्स यहाँ पे क्या है, मल्टीसीलिएट है एंड वॉट, बाइफ्लैजिलेट है. सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस एक्सेप्ट आइसोइटिस. इसमें ओनली आइसोइटिस ही ऐसा मेंबर है जिसमें किस प्रकार की ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी. ओके, अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में कुछ समझना चाहें तो देखिए, ये हमारे पास में है सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ, ओके. सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे दो कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा. द फर्स्ट इज व्हाट, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, एंड द अदर वन इज व्हाट, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. इस प्रकार से ये हमारे पास में एक रिंग है एंड इस रिंग में रेडियली क्या प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम के वस्कुलर बंडल्स. ओके, एंड इन जाइलम एंड फ्लोएम के वस्कुलर बंडल्स के बीच में ये क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम. ठीक है, वह कैम्बियम जो एक ही जाइलम के वस्कुलर बंडल एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, उस कैम्बियम को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. ओके, एंड दो बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट है उसे हम किस प्रकार के कैम्बियम बोलेंगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. सो दिस इज व्हाट इंट्रा, एंड ये हमारे पास में क्या है, इंटर. यदि जाइलम एंड फ्लोएम के एक ही वस्कुलर बंडल में, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट रहेगी वो हमारे पास में किस प्रकार की कैम्बियम होगी, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. और यदि दो के बंडल्स के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट रहेगी तो वो हमारे पास में किस प्रकार की कैम्बियम होगी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर कैम्बियम की एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, अब ये कैम्बियम की रिंग अंदर की साइड में तो क्या बनाएगी, फ्लोएम, एंड बाहर की साइड में क्या बनाएगी, जाइलम. ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम जो पहले से बने हुए हैं वो क्या है, प्राइमरी जाइलम एंड व्हाट, प्राइमरी फ्लोएम. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कैम्बियम रिंग एक्टिविटी जो जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा वो हमारे पास में किस प्रकार के होंगे, सेकेंडरी जाइलम एंड व्हाट, सेकेंडरी फ्लोएम. अब इन सेकेंडरी जाइलम, दिस इज व्हाट सेकेंडरी जाइलम एंड दिस इज सेकेंडरी
फ्लोएम। ओके, इस सेकेंडरी जाइलम में भी जो पहले बनेगा वो हमारे पास में क्या है, प्रोटोजाइलम, एंड जो बाद में बनेगा वो हमारे पास में क्या है, मेटाजाइलम। ओके, वैसे ही सेकेंडरी फ्लोएम में जो पहले बनेगा वो क्या है, प्रोटोफ्लोएम, एंड जिसका फॉर्मेशन बाद में होगा वो हमारे पास में क्या होगा, मेटाफ्लोएम। ओके, देन हमारे पास में कौन सा हमारे पास में डिवीजन है, स्फिनोफाइटा। ओके, देखिए इस स्फिनोफाइटा में देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास में डिवीजन है वो हमारे पास में क्या है, फिलिकोफाइटा। स्पोरोफाइट फिलिकोफाइटा में किस किस में डिवाइडेड होगा, रूट, स्टेम एंड व्हाट, लीव्स में। ओके, देन यहाँ पे जो जनरली रूट्स है वो हमारे पास में क्या रहेगी, एब्सेंट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज लीव्स आर लार्ज इन रिलेशन टू व्हाट, स्टेम। अब देखिए जो लार्ज लीव्स होती है उनको एक नेम दिया गया है, वो हमारे पास में क्या है, फ्रॉन्ट्स। एंड वो जो लार्ज लीव्स है ये मार्जिन्स पे से कैसे रहती है, कटी फटी रहती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है स्टेल किस प्रकार की है, प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टीलिक एंड व्हाट, डिक्टियोस्टीलिक। ओके, डिक्टियोस्टीलिक जो स्टील है वो किस प्रकार की स्टील है, इस प्रकार की स्टील में साइफोनोस्टील में मोर देन वन लीफ गैप्स प्रेजेंट होते हैं, एंड वो लीफ गैप्स एक दूसरे को किस प्रकार किए हुए रहते हैं, ओवरलैप किए हुए रहते हैं, इसलिए स्टील छोटे छोटे स्टील्स में डिवाइडेड हो जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टील। इस टाइप से ये हमारे पास में यहाँ पे स्मॉल स्मॉल क्या प्रेजेंट है, मेरिस्टील। ये हमारे पास में मेरिस्टील्स प्रेजेंट है। ओके, एंड ये मेरिस्टील किस प्रकार बनी है, बिकॉज जो साइफोनोस्टील है उसमें मोर देन वन लीफ गैप्स प्रेजेंट हो गए, एंड वो लीफ गैप्स भी एक दूसरे को क्या किए हुए हैं, ओवरलैप। इस वजह से जो साइफोनोस्टील है वो छोटी छोटी स्टील में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। उन छोटी छोटी स्टील्स को हम क्या बोलेंगे, मेरिस्टील्स। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर
द लीफ बियर्स मैनी स्पोरेंजिया ऑन आइदर मार्जिन और अपॉन ऑफ द एबेक्सियल फेस ऑफ द लीव्स. मोस्टली दे आर होमोस्पोरस बट फ्यू आर वॉट हेट्रोस्पोरस. ठीक है, स्पोरेंजिया कहाँ पे प्रेजेंट होगी? लीव्स की एबेक्सियल साइड पे. ओके, द नेक्स्ट वन इज स्पोरेंजिया में जो प्रेजेंट स्पोर्स का साइज है वो सिमिलर भी हो सकता है या फिर बाद में वो स्पोर्स, कुछ स्पोर्स साइज में लार्जर हो सकते हैं जिन्हें हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर्स. एंड जो कुछ स्पोर्स है वो कंपैरेटिवली साइज में क्या हो सकते हैं, स्मॉल, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोर्स. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज द सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ हर शेप प्रोथेलस कॉल्ड गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट जो हमारे पास में प्रोथेलस है, इसके वेंट्रल सरफेस पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, सेक्स ऑर्गन्स. इनमें से जो मेल सेक्स ऑर्गन है, इस मेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रेजेंट रहेगा, एंथ्रीडिया. एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, सो फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रेजेंट रहेगा यहां पे, आर्किगोनिया. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज एंथ्रोजॉइट्स यहाँ पे क्या होंगे, मल्टीफ्लैजिलेटेड होंगे. दैट मीन्स ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, एक एंथेरोजॉइट. इस एंथेरोजॉइट में नीचे की साइड में क्या प्रेजेंट है, ये बेसल वेसिकल एंड अपर साइड में ये टफ्ट ऑफ फ्लैजिला. टफ्ट्स ऑफ व्हाट, फ्लैजिला प्रेजेंट. सो नाउ हमारे पास में जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है. अब हम जो कुछ की वर्ड्स है वो देख लेते हैं. ओके, देखिए क्रिप्टोगैम्स हमारे पास में वे प्लांट्स होते हैं क्रिप्टोगैम्स हमारे पास में वे प्लांट्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पोर्स. इन प्लांट्स में स्पेसिफिक ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक ओवरी, स्टेमस, ये सब कुछ प्रेजेंट नहीं होते हैं. ओनली क्रिप्टोगैम्स कौन से प्लांट होते हैं, विच प्लांट, प्लांट्स प्लांट्स विच प्रोड्यूस स्पोर्स. प्लांट्स विच प्रोड्यूस स्पोर्स. ओके, इनमें कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन लाइक स्टेमंस, ओवरीज, ये सब कुछ प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, द नेक्स्ट वन इज डाइकोटोमस. ठीक है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग वह ब्रांचिंग होती है जिसमें ये जो हमारे पास में मेन ग्रोथ पॉइंट है, ये मेन ग्रोथ पॉइंट दो पॉइंट्स में हमारे पास में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. आगे चलकर ये जो दोनों पॉइंट्स है ये भी कितने में डिवाइडेड हो जाते हैं, दो में. इस प्रकार की ब्रांचिंग को हम क्या बोलते हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज डिक्टियोस्टील. डिक्टियोस्टील हमने पहले भी स्टडी किया है दैट यदि साइफोनोस्टील में मोर देन टू और थ्री लीफ गैप्स प्रेजेंट हो तो वो लीफ गैप्स क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को ओवर गैप. एंड वो जो स्टील है वो स्मॉल स्मॉल स्टील्स में डिवाइडेड हो जाती है. उन स्मॉल स्टील्स को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टील्स. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज फर्न. फर्न का मतलब क्या है, अ फ्लावरलेस एंड वॉट, सीडलेस प्लांट इज कॉल्ड वॉट, फर्न. ओके, नेक्स्ट हमारे पास में टर्मिनोलॉजी है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का मीन्स क्या है, यूनियन ऑफ फर्टिलाइजेशन. देखिए हमारे पास में एक मेल गैमेट प्रेजेंट है एंड नेक्स्ट कौन सा गैमेट प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट. सो मेल गैमेट प्लस व्हाट, फीमेल गैमेट, इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, टू एन जाइगोट.
एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। द नेक्स्ट थिंग इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफिटिक जो प्लांट है उसमें क्या प्रोड्यूस होंगे, गैमेट्स। सो गैमेट्स बियरिंग प्लांट इज कॉल्ड व्हाट, गैमेटोफाइट। सो वॉट इज गैमेटोफाइट, गैमेट्स बियरिंग प्लांट इज कॉल्ड वॉट, गैमेटोफाइट। देखिए ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्रोथेलस है, इस गैमेटोफिटिक प्रोथेलस पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, एंथ्रीडिया एंड वॉट, आर्किगोनिया। ठीक है, इस एंथ्रीडिया में क्या बनेंगे, एंथेरोजॉइट्स, एंड इस आर्किगोनिया में हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट होगी, नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल एंड वॉट, एग सेल। ओके, ये एग सेल और ये एंथ्रोजॉइट्स एक तरीके से क्या है, गैमिट्स ही है। एंथ्रोजॉइट्स किस प्रकार के गैमिट्स है, मेल गैमिट्स, एंड एग सेल किस प्रकार का गैमिट है, फीमेल गैमिट। ओके, ये दोनों फ्यूज करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट का। देखिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील का मींस है, यदि प्रोटोस्टील में पित प्रेजेंट होगी तो वह प्रोटोस्टील एक इवॉल्व्ड स्टील का रूप ले लेगी, जो हमारे पास में कौन से प्रकार की स्टील होगी, साइफोनोस्टील। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज सोरस। स्पोरेंजिया के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, सोरस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, स्पोर। स्पोर कैसा होगा, हैप्लोइड होगा, एंड स्पोर का फॉर्मेशन किस प्रकार के प्लांट में होगा, स्पोरोफिटिक प्लांट में। देखिए ये हमारे पास में क्या है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, एंड ये जो हमारे पास में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, इस स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया। ओके, एंड इस स्पोरेंजिया में किसका प्रोडक्शन हो रहा है, स्पोर्स का।
स्पोर्स एक्चुअली क्या है? हैप्लोइड गैमेट्स है. दीज आर हैप्लोइड गैमेट्स. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट हमारे पास में डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है. एंड ये जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है ये टेडोफाइट में क्या है? न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट है. एंड इस डिप्लॉइड प्लांट बॉडी के ऊपर स्पेशलाइज्ड कुछ लीव्स प्रेजेंट होती है. उन स्पेशलाइज्ड लीव्स को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स. एंड इस स्पोरोफिल्स में क्या प्रेजेंट रहेगी? स्पोरेंजिया. और स्पोरेंजिया में बाय मियोसिस स्पोर मदर सेल्स में क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पोर्स. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज स्टील. स्टील क्या है? प्लांट का जो सेंट्रल सिलेंडर है जिसमें वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टील को. नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? वस्कुलर बंडल, जो एक तरीके से क्या है? एक कंडक्टिंग टिश्यू. ओके, देखिए नेक्स्ट हमारे पास में जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारे पास में क्या है? हैबिट. हैबिट का मीन्स क्या है? किसी भी प्लांट की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे? हैबिट में. इसमें उस प्लांट का साइज आ सकता है, टेक्सचर आ सकती है, और क्या आ सकता है? शेप आ सकती है. सो व्हाट इज हैबिट? हैबिट में क्या क्या आएगा? प्लांट साइज प्लस प्लांट टेक्सचर एंड देन प्लांट शेप etc. ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट? हैबिटाट. हैबिटाट का मीन्स क्या है? कि प्लांट जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वो हैबिटाट ही एक्चुअली क्या, वो जो एनवायरनमेंट है वो ही एक्चुअली क्या है? हैबिटाट है. ओके, एनवायरनमेंट में हमारे पास में बोथ बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स दोनों का इंक्लूमेंट होगा. ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? हेट्रोस्पोरी. हेट्रोस्पोरी का मीन्स है कि प्लांट्स में दो टाइप्स के स्पोर्स बने. वे स्पोर्स जो न्यूट्रिशन ज़्यादा गेन करेंगे वो साइज में क्या रहेंगे? लार्ज. एंड उन स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर्स. ओके, सो लार्जर स्पोर्स आर व्हाट? मेगा स्पोर्स. एंड सम स्मॉलर स्पोर्स are called what? Microspores. Okay, the next thing is what? Homospory. Homospory का means है producing only one type of spores. That means जो spores produce होंगे सभी प्रकार के, उनका size क्या रहेगा? Same रहेगा. Next thing हमारे पास में क्या है? Leptosporangiate. यदि sporangia का development एक single superficial cell से होगा तो उस प्रकार के डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे? लेप्टोस्पोरेंजिएट. एंड यूस्पोरेंजिएट टाइप का जो डेवलपमेंट होगा उसमें स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होगा वो ग्रुप ऑफ सेल से होगा, तो उस प्रकार के डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे? यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल का मीन्स है कि प्लांट एक फेज कंप्लीट करके देन आफ्टर नेक्स्ट फेज में क्या करता है? एंटर करता है. यदि हम गैमेटोफिटिक फेज की बात करें तो ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक फेज है गैमेटोफिटिक फेज में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होंगे? सेक्स ऑर्गन दैट आर व्हाट?
मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। ओके, एंथ्रीडिया में क्या बनेंगे हमारे पास में एंथेरो जॉइंट्स एंड आर्किगोनिया में क्या बनेगी एक्सेल। ये दोनों फ्यूज करके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे जाइगोट का, एंड जाइगोट किसका फॉर्मेशन करेगा एम्ब्रियो का, एंड एम्ब्रियो किसका फॉर्मेशन करेगा स्पोरोफाइट का। इस स्पोरोफाइट के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे स्पोरेंजिया, एंड इस स्पोरेंजिया में किसका फॉर्मेशन होगा स्पोर्स का। ठीक है, सो ये जो लाइफ साइकिल में क्या प्रेजेंट रहती है अलग अलग फेजेस, द फर्स्ट वन इज व्हाट गैमेटोफिटिक फेज एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट स्पोरोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज का स्पोरोफिटिक फेज में चेंज होना बाय द मींस ऑफ व्हाट एंथ्रोजॉइट एंड एग्स फ्यूजन। ओके, एंड स्पोरोफिटिक फेज का बाय द मींस ऑफ स्पोर्स जर्मिनेशन गैमेटोफिटिक फेज में चेंज होना ही एक हमारे पास में क्या है लाइफ साइकिल है। ओके, नेक्स्ट थिंग आपके पास में क्या है मोनोपोडियल ब्रांचिंग। देखिए मोनोपोडियल ब्रांचिंग का मींस होता है कि हमारे पास में जो टर्मिनल बड है वो क्या करती जाएगी ग्रो करती जाएगी एंड वेल डेवलप्ड क्या बनाएगी लेटरल ब्रांचेस। ओके, मोनोपोडियल ब्रांचिंग बीच में इन सब में पाई जाती है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज टाइडोफाइट्स। टाइडोफाइट्स क्या है हमारे पास में ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते बट उनमें वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे टाइडोफाइट्स। सो द क्लासिफिकेशन इज कंप्लीट। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टाइडोफाइट्स। देखिए टाइडोफाइट्स का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो इनके फूड के यूज़ में, फॉडर के यूज़ में, मेडिसन्स के यूज़ में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में यूज़ होने के रूप में इनके बहुत सारे हमारे पास में क्या प्रेजेंट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अगर हम टाइडोफाइट्स की फूड के रूप में बात करें तो हमारे पास में टाइडोफाइट्स एनिमल्स के लिए क्या है एक गुड सोर्स ऑफ फूड है। इसमें स्पोरोकार्प ऑफ वॉट, मार्सीलिया, वाटर फर्न, इनमें क्या प्रेजेंट होता है स्टार्च प्रेजेंट होता है, एंड इनको कुक करके एनिमल्स एंड ह्यूमंस को किसके रूप में दिया जाता है फूड के रूप में। द नेक्स्ट थिंग इज यंग लीफ टिप्स ऑफ फर्न्स एंड वॉट यूज्ड एज वॉट वेजिटेबल्स। ठीक है, जो लीव्स हैं उनके क्या यंग टिप्स ये किसके रूप में यूज किए जाएंगे फूड के रूप में, और ये फूड के रूप में देशी शाक के रूप में कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं इंडिया में एंड व्हाट बांग्लादेश में। देखिए राइजोम ऑफ मैनी फर्न्स लाइक वॉट टेरिस। टेरिस का जो राइजोम है उसमें अत्यधिक मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है स्टार्च। ठीक है, सो टेरिस राइजोम कंटेन वॉट स्टार्च जिसे किसके रूप में यूज किया जाता है फूड के रूप में। द नेक्स्ट थिंग इज ये जो कॉर्म है, कॉर्म एक्चुअली क्या है मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, सो इसे किसके किन एनिमल्स के फूड के रूप में यूज किया जाता है पिक के फूड के रूप में। देखिए मार्सेलिया को किसके रूप में यूज किया जाता है फॉडर के रूप में।
नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, सॉइल बाइंडिंग। टेडोफाइट्स की जो ग्रोथ कैपेसिटी है वो काफ़ी हाई होती है, इसलिए ये जो टेडोफाइट्स की रूट है, ये टेडोफाइट्स की रूट सॉइल को अपने आसपास क्या किए हुए रहती है, बाइंड, ताकि वो सॉइल का क्या ना हो सके, इरोजन। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज देखिए, ये जो हमारे पास में इक्विसिटम के स्टेम आपको दिख रहे हैं, इन इक्विसिटम के स्टेम को मेटल्स के किस में यूज़ किया जाता है, पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है। सो इक्विसिटम जो स्पीसीज है उनको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिशिंग स्पीसीज भी कह सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में जो यूज़ है वो किसके रूप में है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। एजोला, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाटर फन भी बोलते हैं, उसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ में होता है, वो हमारे पास में क्या है, एनाबिना एजोले, ठीक है। ये जो हमारे पास में एजोला है, इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ में होता है, वाटर फिक्सिंग बैक्टीरिया एनाबिना एजोले। सो इसको जो राइस के खेत हैं उसमें किसके रूप में यूज़ किया जाता है, बायोफर्टिलाइज़र के रूप में, क्योंकि यह जो हमारे पास में बैक्टीरिया है एनाबिना एजोले, ये क्या फिक्स करता है, एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ताकि प्लांट को नाइट्रोजन क्या हो सके, उपलब्ध हो सके। ओके, देखिए जो लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम स्पीसीज को वेरियस क्लिंजिंग पाउडर्स के रूप में, सोप्स में, इन सब में यूज़ किया जाता है, एंड किसके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, स्किन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। ओके, एंड व्हाट, कॉन्स्टिपेशन में भी इसका यूज़ है, लीवर की जो इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करने में भी किस स्पीसीज का यूज़ किया जाता है, लाइकोपोडियम स्पीसीज का। देखिए, ये जो हमारे पास में इक्विसिटम है, इसमें एल्यूमिनियम, सिलिका, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इस इक्विसिटम का यूज़ टिश्यू स्ट्रेंथिंग में किया जाता है। देखिए, ये जो हमारे पास में एस्पीडियम का राइजोम है, इसको किसके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, अगेंस्ट व्हाट, टैपफर्न। एंड ऑल्सो किसके फॉर्म में यूज़ किया जाता है, इसको कफ के अगेंस्ट भी किसको यूज़ किया जाता है, एस्पीडियम के राइजोम को। ओके, पॉलीपोडियम का यूज़ किस में किया जाता है, एपेटाइट में, एंड व्हाट, हिपेटिक प्रॉब्लम्स में किसका यूज़ किया जाता है, पॉलीपोडियम का। देखिए, ऑस्मेंडा जो वल्गेरिस है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन ऑयल चैरिटी, एंड ये किसके रेमेडी है हमारे पास में, वाउंड की रेमेडी है।
मार्सीलिया को किसके रूप में यूज किया जाता है? सिडेटिव जो इम्पल्स है उनको रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? मार्सीलिया का। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस का यूज पैथोजेनिक जो इन्फेक्शंस है, पैथोजेनिक जो इंसेक्ट्स है, उनके इमरजेंस को फाइंड करने में यूज किया जाता है। ओके, एंड ऑफियोग्लोसम का यूज किस में किया जाता है? वाउंड्स में किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन ऑयल। हॉर्टिकल्चर में कौन कौन से स्पीसीज का यूज किया जाता है? इसमें बहुत सी स्पीसीज है, लाइक व्हाट? लाइकोपोडियम, फ्लैगमेरिया, ये सब कुछ का यूज किस में किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। ओके, साइलोटम को ग्रीन हाउसेज में यूज किया जाता है, एंड इसका नेम हमारे पास में क्या है? विस्क फर्न। देखिए, एंजियोप्टेरिस, नेफ्रोलेपिस, इन सब की जो लीव्स है इनका यूज़ सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है, और इनको क्या किया जाता है? हॉर्टिकल्चर किया जाता है। ओके, ये हॉर्टिकल्चरली इम्पोर्टेंट प्लांट्स है। बायोफर्टिलाइज़र के रूप में हमने पहले भी पढ़ लिया दैट हमारे पास में एक फर्न है जिसका नेम क्या है? एजोले। एंड उस एजोलो का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है वो किस प्रकार के बैक्टीरियम के साथ में रहता है? एनाबिना एजोले के साथ में। दैट्स वाई उसका यूज किन फील्ड्स में किया जाता है? राइस फील्ड्स में। देखिए, एक्टिनोप्टेरिस का यूज किस में किया जाता है? कोबाल्ट इंडिकेटर में किया जाता है। एंड कुछ हमारे पास में जो इक्विसिटम है इसमें गोल्ड प्रेजेंट रहता है इसके स्टेम में। ओके, गोल्ड डिपॉजिट्स को फाइंड करने में किसका यूज किया जाता है? इक्विसिटम का। सो ये हमारे पास में टाइडोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कंप्लीट है। थैंक यू। नेक्स्ट जो हमारे पास में लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे आइसोइटिस।